प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अभी तक हमने इस यूनिट में जो टॉपिक पढ़े थे वो पढ़ा था कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम। और आज जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस यूनिट का, वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हम बात करें तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो स्टेटमेंट है, तो इसकी स्टेटमेंट की जब हम बात करें तो दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट द टोटल करंट flowing out of any volume is equal to the rate of decrease of charge within that volume. This is the statement of equation of continuity. क्या equation क्या बताती है हमें कि किसी volume में से यदि current flow हो रहा है तो वो जो current की amount होगी, current की जो value होगी वो किसके बराबर होगी, is equal to the rate of decrease of charge within that volume. कि उस volume के अंदर charge कितना decrease हो रहा है, जितना चार्ज में डिक्रीमेंट ज़्यादा होगी वॉल्यूम के अंदर, उतनी अमाउंट ऑफ करंट जो होगी वो ज़्यादा होगी, उस वॉल्यूम में से जो करंट फ्लो होगा आउटसाइड की तरफ वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यदि हम एक वॉल्यूम कंसीडर कर लें, एक क्यूब कंसीडर कर लें, और उस क्यूब का जो वॉल्यूम लिया हमने वो बी मान लिया, बी इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, और इस पूरे क्यूब के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। This is the cube having uniform charge, positive charge, और B is the volume of this cube. तो इस cube की वजह से जिसके ऊपर positive charge है, current तभी मिलेगा, current outside की तरफ तभी flow होगा when charge in motion. और हम ये consider कर रहे हैं कि इस cube के अंदर जो charge है वो inside से outside की तरफ flow हो रहा है, और उसकी वजह से हमें करंट मिल रहा है, और वैल्यू ऑफ करंट जो है वो कितनी कंसीडर कर ली हमने, आई इज द करंट विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन चार्ज फ्लोइंग आउटसाइड द वॉल्यूम। सो ये जो करंट है, इस करंट की जो अमाउंट होगी, स्ट्रेंथ जो होगी, वो डिपेंड करेगी हाउ मच चार्ज फ्लो आउटसाइड। जितना चार्ज बाहर की तरफ ज़्यादा फ्लो होगा उतना आई ज़्यादा होगा, और जितना चार्ज बाहर की तरफ ज़्यादा फ्लो होगा तो उतना चार्ज अंदर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यदि जो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी, हमने इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली लिखें, तो मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, हमने लिखा टोटल करंट, टोटल करंट मतलब आई फ्लोइंग आउट ऑफ एनी वॉल्यूम, किसी वॉल्यूम से जो बाहर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज विद इन दैट वॉल्यूम। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज को लिखेंगे हम डी क्यू ओवर डी टी, कि आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, डी क्यू ओवर डी टी, और साथ में क्या आएगा, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज विद इन द वॉल्यूम इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग आउटसाइड द वॉल्यूम। यह नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जैसे जैसे चार्ज क्यूब के अंदर डिक्रीज होगा वैसे वैल्यू ऑफ आई जो है इंक्रीज होगी। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट विद डिक्रीज इन चार्ज द वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीजेस। सो इस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकली लिख लिया आई इक्वल टू माइनस डी क्यू ओवर डी टी। अब मैं इस इक्वेशंस को थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाह रहा हूँ, डी क्यू ओवर डी टी को, इस चार्ज को मैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। डेंसिटी की फॉर्म में जब हम चार्ज को लिखेंगे तो हमारे पास पूरे क्यूब
के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम चार्ज को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डेंसिटी जो होगी, चार्ज डेंसिटी जो होगी इस चार्ज की, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रो से। रो से क्यों रिप्रेजेंट किया? क्योंकि हमारे पास तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती है। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं लैम्डा से, एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, और एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको डिनोट करते हैं रो से। तो यदि किसी लाइन के ऊपर चार्ज है और उसकी चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करना है तो उसको लिखेंगे हम लैम्डा, और लैम्डा किसके बराबर होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। और किसी सरफेस के ऊपर चार्ज है और उसकी चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसको लिखेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया। और इसी तरह किसी क्यूब के ऊपर चार्ज है तो उसकी चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसको लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? उसकी चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, और रो को क्या लिखते हैं हम? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यदि हम यहाँ से चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो चार्ज कितना आ जाएगा? चार्ज इक्वल टू रो डी बी। अब ये जो चार्ज है हमारे पास, ये छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से है। यदि हम पूरे वॉल्यूम की वजह से चार्ज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इस ये जो हमारे पास छोटे से वॉल्यूम की वजह से जो चार्ज डेंसिटी चार्ज है उसका क्या कर देंगे हम? इंटीग्रेशन। तो पूरे वॉल्यूम की वजह से हमारे पास चार्ज आ जाएगा, और वो चार्ज जो है उसको लिखेंगे हम क्यू इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, जब इंटीग्रेशन के नीचे बी लिखा हो तो उसको पढ़ते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल, और आगे क्या है? रो डी बी। तो चार्ज इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी हमारे पास कितना आ गया? हम इसको लिख सकते हैं माइनस डी क्यू ओवर डी टी इंटीग्रेशन बी रो डी बी, और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। तो ये हमारे पास करंट आ गया इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। हमने Q को लिख लिया, हमें पता है Q किसके बराबर होता है? रो डी बी वॉल्यूम इंटीग्रल। सिमिलरली आल्सो बी नो, करंट को हम करंट डेंसिटी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करंट डेंसिटी की फॉर्म में कैसे, हमें पता है करंट डेंसिटी की फॉर्म में हम इसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस। और ये कैसे आया? हमें पता है करंट डेंसिटी किसके बराबर होती है? करंट डिवाइडेड एरिया। एरिया यहाँ पे कितना है? डी एस। तो यदि हम यहाँ से करंट फाइंड आउट कर लें तो करंट कितना आ जाएगा? जे डी एस। अब ये जो करंट है एक छोटे से सरफेस की वजह से है, पूरे सरफेस की वजह से करंट फाइंड आउट करना है तो उसका क्या कर देंगे हम? सरफेस इंटीग्रल, और वो पूरे सरफेस का करंट आ जाएगा। तो करंट इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी किसके बराबर होता है? आई इक्वल टू जे डॉट डी एस। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन में यदि हम देखें तो दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है, यहाँ पे भी आई है यहाँ पे भी आई, तो राइट हैंड साइड भी इनकी क्या होगी? इक्वल होगी। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, फर्स्ट एंड सेकेंड से हमारे पास क्या आ गया? इंटीग्रेशन। हम इस सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट पे लिख लेंगे, सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस, इसको पढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, कितना है हमारे पास? दिस, इसको इंटीग्रल को बाहर लिख लेंगे हम, और डी ओवर डी टी को ऐसे लिख लेंगे डेल रो ओवर डी टी, और साथ में क्या है? डी बी। इंटीग्रेशन अंदर चला गया, सॉरी डिफरेंशियल फैक्टर अंदर चला गया और इंटीग्रेशन को हमने बाहर लिख लिया, तो हमारे पास आ गया माइनस डेल रो ओवर डी टी डी बी, और इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड मानेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें दोनों इंटीग्रल्स को इक्वल करना पड़ेगा। इधर वॉल्यूम इंटीग्रल है, इधर क्या है? सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल को या तो वॉल्यूम में चेंज कर लो या वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई थ्योरम नहीं है जो वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करे। हमारे पास एक थ्योरम है और उस थ्योरम को क्या बोलते हैं? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी हमें सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। हम पढ़ेंगे इसको जब हम मैक्सवेल इक्वेशन, हमारे कोर्स में इसका डेरिवेशन तो नहीं है, हम इसका डायरेक्ट प्रूफ लिखेंगे। तो जिसका जो प्रूफ है उसके वो क्या बोलता है, इसका प्रूफ बोलता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी अराउंड द वॉल्यूम, दैट इज सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे डी बी। तो इस इक्वेशन इस थ्योरम का यूज करते हुए हम इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें किसकी वैल्यू, हमें इस सरफेस को किस में कन्वर्ट करना था, वॉल्यूम में। तो जब हम इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी, जे डॉट डी एस किसके बराबर आ रहा है, डेल डॉट जे डी बी। देन इक्वेशन थर्ड बिकम्स, इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगी, अब जे डॉट डी एस को क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे और साथ में क्या है डी बी इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल रो ओवर डी टी डी बी। अब इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, डी बी से डी बी कैंसिल एंड बी हैव डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डेल रो ओवर डी टी, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी किसकी टर्म हो जाएगी, प्लस की। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस डेल रो ओवर डी टी इक्वल टू जीरो, और इसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ, दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इस इक्वेशंस को यदि हमारे पास चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है इफ चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, देन चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगी इसका मतलब क्या होगा, रो किसके बराबर, रो क्या है कांस्टेंट, इफ चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट देन रो इक्वल टू क्या है, इट मींस यार देन रो इक्वल टू कांस्टेंट, और रो कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, डेल रो ओवर डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। इसको इक्वेशन नंबर हम फोर मान लेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। तो यदि रो कांस्टेंट है तो डेल रो ओवर डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। देन इक्वेशन फोर बिकम्स, तो उस केस में ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉरम में आ जाएगी, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी इसमें, जीरो। तो डेट इक्वल टू जीरो एंड डेल डॉट जे इक्वल टू जीरो, डेल डॉट जे मतलब डाइवर्जेंस क्या है, करंट डेंसिटी का जीरो। और जब भी डाइवर्जेंस जीरो होता है, हमने बताया था डाइवर्जेंस की तीन वैल्यू होती है, एक डाइवर्जेंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक डाइवर्जेंस की वैल्यू नेगेटिव होती है, और एक डाइवर्जेंस की वैल्यू जीरो होती है। तो जब डाइवर्जेंस पॉजिटिव होता है इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सोर्स से कोई चार्ज जो है, कोई फील्ड जो है वो किसकी तरफ जा रही है, सिंक की तरफ जा रही है। और जब डाइवर्जेंस नेगेटिव होता है इसका मतलब सोर्स वो सिंक से, सोर्स से सिंक जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब डाइवर्जेंस जीरो होता है उसका मीनिंग क्या है कि सिस्टम आपका न्यूट्रल है, ना तो चार्ज इनसाइड से आउटसाइड की तरफ चार्ज हुए फ्लो नहीं हो रहा है, सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो डेल डॉट जे का मतलब है कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है। एंड दिस इज दी अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक में हम वी टॉक अबाउट मैक्सवेल इक्वेशन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। सो थैंक यू।